इंडिया सर्वर का जो मैजिक क्यूब स्टोर है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, लेकिन गाइज हमारे इंडिया सर्वर के अंदर हम लोगों को एक और छोटा सा मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट देखने को मिलने वाला है। इस अपडेट के बाद हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐसे ऐसे आइटम ऐड होंगे किसी ने सोची ना होगी। और खैर अब किसी को सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फाइनली मैंने ये वीडियो बना दिया है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का A to Z सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस बार हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आखिर कौन से बंडल ऐड होंगे, कब ऐड होंगे। इससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। अरे पुनीत भाई मुझे पता है तुम्हारे पास मैजिक क्यूब नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ इसमें मेरा क्या फायदा। चिंता मत करो यार, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फ्री मैजिक क्यूब के बारे में बताऊंगा। हाँ गाइस, फ्री मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट सब कुछ आज आप लोगों को ये वीडियो के अंदर मिलने वाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे नहीं यार, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट और फ्री मैजिक क्यूब ये कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है, बल्कि लेटेस्ट न्यूज तो है ज़ॉम्बी समुराय बंडल रिटर्न की। हाँ गाइस, फाइनली ज़ॉम्बी समुराय बंडल रिटर्न पे आने वाला है, जिसका कंफर्म डेट, कंफर्म इवेंट सब कुछ मुझे मिल चुका है। तो आप लोग चिंता मत करो, आज मैं आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल रिटर्न के बारे में बताऊंगा। फिर यार आज हम लोग टुनाइट अपडेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे अपकमिंग पेड इवेंट्स हैं, कुछ फ्री इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को ये वीडियो में पता लगेगा। एंड फिर सबसे ज्यादा स्पेशल आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक फ्री डायमंड गिव अवे भी है। तो आप लोग गाइस बस आज के वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, आज आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फ्री में डायमंड्स भी मिलने वाले हैं। आइए देख मजा। आइए गाइस अभी हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में। हाँ जी गाइस देखो, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर कल 1 तारीख को न्यू रैंक सीजन आने वाला है, जो कि रहेगा न्यू BR रैंक सीजन। एंड वैसे तो मैंने आप लोगों को न्यू BR रैंक सीजन के सभी फ्री रिवॉर्ड्स का रिव्यू करवा दिया था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इनका हल्का सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। यहाँ तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर देखो, ये है हमारे नेक्स्ट BR रैंक सीजन रिवॉर्ड्स। यहाँ पर हम लोगों को एक मेल का अपर देखने को मिल रहा है, फिर गाइस यहाँ पर एक लूट बॉक्स भी है, एंड हम लोगों को लूट बॉक्स के बाद यहाँ पर एक ग्लू वॉल देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर 2 अवतार और 2 बैनर है। मैंने आप लोगों को यार अभी ये सभी आइटम्स का रिव्यू करवा दिया, जो कि हमारे नेक्स्ट BR रैंक सीजन रिवॉर्ड्स हैं। मैंने इनके बारे में जल्दी इसलिए बताया क्योंकि भाई टुनाइट अपडेट है ये, कल 1 तारीख को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर न्यू रैंक सीजन आ जाएगा, जो कि दोपहर में आएगा भाई कुछ 1-2 बजे के आसपास। तो अभी गाइस आप लोग रिलैक्स हो जाओ एंड अभी आज की इस वीडियो को एंजॉय करो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले ज़ॉम्बी समुराय बंडल रिटर्न के बारे में बताने वाला हूं। हां तो गाइस आप लोग स्क्रीन पर ये रिंग इवेंट को ध्यान से देखो भाई, यही वो रिंग इवेंट है जो कि हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द आएगा, एंड यहाँ पर हम लोग ज़ॉम्बी समुराय बंडल को ले पाएंगे। वाह भाई क्या कमाल का रिंग इवेंट है, यहाँ पर हम लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल देखने को मिल रहा है, ज़ॉम्बी समुराय की थीम पर लूट बॉक्स देखने को मिल रहा है, बैकपैक भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ज़ॉम्बी समुराय वाला इमोट भी देखने को मिल रहा है। सच बता रहा हूँ भाई, मुझे सभी आइटम्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं। लेकिन हाँ, ज़ॉम्बी समुराय बंडल जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने यार इसको शायद आज से 3-4 साल पहले ही निकाल लिया था। बाकी फिर गाइस जो इमोट यहाँ पर है मैं आपको बता दूं, ये इमोट मेरे पास नहीं है, इसलिए यार जब ये रिंग इवेंट आएगा मैं ज़ॉम्बी समुराय बंडल तो नहीं ले सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी है, इसलिए यार मैं इस रिंग इवेंट के अंदर से इमोट को निकालने की कोशिश करूंगा। भाई बहुत तगड़ा रिंग इवेंट है। खैर अभी यार फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और गाइस अभी हम लोग ये रिंग इवेंट की ना कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। हां जी, तो यार देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो रिंग इवेंट है ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर जुलाई में आने वाला है, एंड अभी जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है वो है जुलाई की 14 तारीख। हां जी गाइस, 14 जुलाई को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये रिंग इवेंट आ जाएगा, जहां पर से आप लोग ज़ॉम्बी समुराय बंडल को ले पाओगे। हाँ तो फाइनली गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को ज़ॉम्बी समुराय बंडल रिटर्न के बारे में बता दिया है, इसलिए यार अभी ना हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अभी गाइस हम लोग बात करते हैं फाइनल शॉट एनिमेशन के बारे में। हाँ गाइस आपको पता होगा पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन अभी हम लोगों को टेम्परेरीली फ्री भी मिला है, लेकिन ये जो पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन है मैं आपको बता दूं हम लोगों को परमानेंट मिलेगा कुछ इस तरीके के रिंग इवेंट के अंदर। फ्री में तो भाई टेम्परेरी मिला है, डायमंड लगाने पर आप लोग इस रिंग इवेंट के अंदर से पैराफेल के फाइनल शॉट एनिमेशन को परमानेंट ले सकते हो। गाइस आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये रिंग इवेंट के अंदर हम लोगों को बस पैराफेल का फाइनल शॉट एनिमेशन ही नहीं बल्कि 2 और गन का फाइनल शॉट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। एक गाइस यहाँ पर स्कॉर्पियो रेज वाला फाइनल शॉट एनिमेशन है, जो कि M10 का है। देन फिर गाइस हम लोगों को यहाँ पर एक MP40 का भी फाइनल शॉट एनिमेशन देखने को मिल रहा है। देखो गाइस इस रिंग इवेंट में टोटल 3 फाइनल शॉट एनिमेशन है, तीनों ही बहुत कमाल के, तीनों ही हम लोग ये रिंग इवेंट के अंदर से परमानेंट ले सकते हैं। मैं तो यार इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जो रिंग इवेंट है ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट मंथ की 3 या फिर 4 तारीख को आएगा। हाँ गाइस नेक्स्ट मंथ
जून की 2 तारीख को हमारे गेम के अंदर न्यू इवो वॉल्ट इवेंट आएगा। फिर हम लोगों को इवो वॉल्ट इवेंट के बाद हमारे गेम के अंदर ये रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर से आप लोग पैराफेल का न्यू फाइनल शॉट एनिमेशन ले पाओगे। तो देखो यार, मैंने भी आप लोगों को ये एक रिंग इवेंट के बारे में तो बता दिया है, बाकी आप लोगों को याद ही होगा मैंने नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का भी रिव्यू पहले ही करवा दिया था। लेकिन मुझे पता है यार, आप में से ज्यादा बंदे नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट को भूल गए होंगे। तो चलो यार, अभी फिर से मैं आप लोगों को नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट का रिव्यू करवाता हूँ। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, जो इवो वॉल्ट इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट, जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले तो लोर्ड साइक्लोन वाला पैराफेल का इवो गन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर इवो M1887, इवो ग्रोजा और साथ ही साथ इवो X8 भी आने वाला है। भाई नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों को भी जरूर पसंद आया होगा। बाकी यार, ये तो सभी को पता है कि नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 2 तारीख को आने वाला है। इसलिए गाइस अभी हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में। हाँ तो गाइस देखो, वैसे तो हमारे इंडिया सर्वर का जो मैजिक क्यूब स्टोर है ये 26 तारीख को ही अपडेट हुआ था। जी हाँ गाइस, 26 तारीख को हमारा ओबी अपडेट आया था और ओबी अपडेट के साथ ही हम लोगों को हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में कुछ नए बंडल्स देखने को मिले। एंड मैं आप लोगों को बताऊं तो आजकल होता भी ऐसा ही है, जब भी ओबी अपडेट आता है ओबी अपडेट के साथ हमारे इंडिया सर्वर का मैजिक क्यूब स्टोर भी अपडेट हो जाता है। लेकिन भाई इस बार तो यार कुछ अलग ही चल रहा है। इस बार हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर अभी 7th एनिवर्सरी स्पेशल एक मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट देखना और बाकी है। जी हाँ गाइस, आज जब मैं इस वीडियो के लिए अपकमिंग अपडेट्स और इवेंट्स की लीक्स इकट्ठा कर रहा था, तो उस टाइम पे यार मैंने देखा कि हमारे गेम की फाइल के अंदर अभी भी कुछ मैजिक क्यूब बंडल्स अवेलेबल है जो कि हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। तो चलो यार, पहले मैं आप लोगों को वो बंडल्स का रिव्यू करवाता हूँ, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा बंडल कब हमारे मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होगा। हाँ जी, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये एम्प्रेस डिवाइन बंडल है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड फिर गाइस हम लोगों को यहाँ पर नियॉन रिज बंडल देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर नियॉन रिज बंडल का ही फीमेल वर्जन अवेलेबल है जिसका नाम है कॉस्मिक रिज बंडल। मैं आपको बता दूं, कॉस्मिक रिज बंडल भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाले हैं। जो सोलर कमांडर बंडल है ये भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आएगा। फिर इसके बाद गाइस यहाँ पर स्टार जनरल बंडल है, ये भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। आखिर में सबसे ज्यादा स्पेशल भाई इस बार बैंडिट बंडल भी हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाला है। हाँ जी गाइस, आप लोगों ने एकदम सही सुना, बैंडिट बंडल भी मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होगा। देखो वैसे तो आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों को इस बार की ओबी अपडेट से पहले ही बता दिया था कि हमारे गेम की फाइल के अंदर बैंडिट बंडल भी अवेलेबल है जो कि मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाला है। लेकिन भाई 26 को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बैंडिट बंडल मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर बैंडिट बंडल अवेलेबल है और साथ ही साथ कुछ और भी बंडल है जो कि हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आने वाले हैं। मैंने आप लोगों को सभी बंडल का रिव्यू करवा दिया है, फिर से क्लियर कर दूं, ये सभी बंडल हमारे गेम की फाइल के अंदर अवेलेबल है एंड हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में ऐड होने वाले हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि ये सभी बंडल हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में आखिर कब ऐड होंगे, तो देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी बंडल हमारे इंडिया सर्वर के मैजिक क्यूब स्टोर में नेक्स्ट मंथ जुलाई की 22 तारीख को ऐड होंगे। हां गाइस, 22 तारीख को ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आएगा, जहां पर से आप लोग कमाल के बंडल को ले पाओगे। मैं तो यार कसम से मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। बाकी अभी यार आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आपको ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। बाकी मैं जानता हूँ यार अभी बहुत सारे बंदे होंगे जो कि कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो एक ही मैजिक क्यूब है, उसको अभी यूज कर लें या फिर ये मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के लिए बचा के रखें। तो देखो भाई, तुमको मैजिक क्यूब वगैरह बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर एक फ्री मैजिक क्यूब मिलने वाला है। चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को कब, कैसे और कहां पर से फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा। तो देखो गाइस, वैसे तो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर 7th एनिवर्सरी का इंटरफेस वगैरह ऑलरेडी आ चुका है और आप लोगों ने देखा होगा एनिवर्सरी की इंटरफेस में फ्री मैजिक क्यूब का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि गाइस हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मैजिक क्यूब का एक स्पेशल इवेंट ही आने वाला है। जी हाँ गाइस, हमारे गेम के अंदर कुछ इस तरीके का एक लॉगिन इवेंट आएगा। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं भाई, एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा इवेंट नहीं आने वाला है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। स्क्रीन पर ये इवेंट मैं आप लोगों को डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाओ कैसा इवेंट आएगा। तो देखो भाई, कुछ इसी तरीके का इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है जो कि एक सिंपल तरीके का लॉगिन इवेंट रहेगा। एंड आप लोग इस लॉगिन इवेंट के अंदर से मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर पाओगे। जी हाँ गाइस, हम लोगों को लॉगिन करने पर टोटल 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, जिन 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स से हम लोग एक मैजिक क्यूब को एक्सचेंज करके ले पाएंगे। बाकी मैं एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक ही दिन लॉगिन करने पर 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। भाई हमको कुछ 5-6 दिन लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके बदले में हम लोगों को टोटल 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलेंगे एंड वो 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट से हम लोग एक फ्री मैजिक क्यूब को ले पाएंगे। भाई काफी ज्यादा चटपटा इवेंट आ रहा है, डायरेक्ट मैजिक क्यूब नहीं मिलने वाला है, फ्रेगमेंट कलेक्ट करने पड़ेंगे देन मैजिक क्यूब लेना पड़ेगा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, ये इवेंट हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ जुलाई में ही आएगा। कसम से भाई नेक्स्ट मंथ बोलना पड़ रहा है। और भाई सच बताऊं तो आज 30 तारीख है, 30 जून है यार।
आज, पर कल 1 जुलाई है भाई, बट फिर भी मुझे तो नेक्स्ट मंथ ही कहना पड़ेगा। तो ऑलराइट गाइस, अभी मैंने आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में बता चुका हूँ। उम्मीद है यार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी अभी गाइस आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो पोस्टर यार आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये भी हमारे टुनाइट अपडेट का ही पोस्टर, और इस पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे गेम के अंदर कल जो न्यू बीआर रैंक सीजन आएगा, वहाँ पर हम लोगों को 1 से 5 तारीख को कुछ मैचेस वगैरह खेलने पर, मिशन वगैरह कंप्लीट करने पर, एक स्पोर्ट्स कार का स्किन फ्री मिलेगा, जो कि 7th एनिवर्सरी स्पेशल स्पोर्ट्स कार का स्किन है। भाई मुझे तो स्पोर्ट्स कार का स्किन काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी अभी गाइस आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोगों को स्पोर्ट्स कार का स्किन कैसा लगा। खैर अभी यार हम लोग बहुत सारे इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में बात कर चुके हैं, तो चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स और गिवअवे के बारे में। भाई सच बताऊं तो यार आजकल आप लोग कुछ फनी फनी बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कर ही नहीं रहे हो, आज यार फनी फनी कमेंट्स करना। खैर अभी यार आप लोग स्क्रीन पर हमारा सबसे पहला कमेंट देखो, जिस कमेंट में हिमांशु भाई ने लिखा इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप। भाई सच में यार कल का जो मैच था ना भाई बहुत खतरनाक था, मैंने तो पूरा एंडिंग तक देखा, पूरा भाई हार्दिक पांड्या ने गेम पलट दिया, और जो सूर्य कुमार का कैच था भाई वो तो नेक्स्ट लेवल था। आप लोग अभी गाइस मुझे कमेंट से बताओ कि कल के मैच का आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा है। खैर अभी हम लोग आगे बढ़ते और देखते हमारा अगला कमेंट, जिस कमेंट में गेमिंग लगी 503 ने लिखा है ओल्ड शायरी है पर मजा आएगा। चलो यार इसका शायरी सुनते हैं। डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, उज्जवल भाई की वीडियो पूरे YouTube में है एक। अरे अरे भाई क्या ही तगड़ा कमेंट लिखा है, मस्त है भाई मजा आया। खैर अभी गाइस आप लोग जरा अगला कमेंट पढ़ो, जिस कमेंट में बंदा लिखता है, जिस कमेंट में बंदा लिखा है भाई मैं आपका वीडियो डेली खाना खाते खाते देखता हूँ, प्लीज पिक माई कमेंट लव यू भाई। अरे यार थैंक यू भाई तब प्यार दिखाने के लिए, बाकी मैंने आपका कमेंट स्क्रीन पर दिखा दिया है। हाँ यार मेरे जितने भी सब्सक्राइबर जो भी कहते हैं मैं वैसा कर देता हूँ, जैसा इस बंदे ने बोला कमेंट दिखाओ तो दिखा दिया। बाकी इसके बाद गाइस एक और बंदा है गैरी संधू शॉर्ट्स, इस बंदे ने लिखा था भाई आपकी वीडियो मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत छकास वीडियो बनाते हो आप, मेरा कमेंट शो करो प्लीज। कर दिया भाई कर दिया, तुम्हारा कमेंट शो कर दिया। लेकिन अभी यार आप लोग ये सबसे हटके एक कमेंट देखो, भाई ये बंदे ने लिखा था उज्जवल भाई मैं जब से FF खेल रहा हूँ तब से आपका वीडियो देख रहा हूँ, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, मुझे कुछ डायमंड चाहिए, सब मुझे नूब बोलते हैं भाई। तो देखो यार तुम्हें नहीं, हर कोई बंदा चाहता है कि उनके पास फ्री डायमंड हो, इसीलिए यार मैं डेली डेली डायमंड का गिव अवे करता भी रहता हूँ। कल मैंने 5 लोगों को डायमंड गिव अवे दिया था, एंड आज की इस वीडियो के अंदर से भी मैं 3 लोगों को डायमंड गिव अवे देने वाला हूँ। देखो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि आपको फ्री डायमंड गिव अवे मिले, चलो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को फ्री डायमंड गिव अवे के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, फ्री गिव अवे जीतने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आज की इस वीडियो को एक लाइक करना है, देन आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कंपलसरी है। देन बस गाइस आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे जाके दबा के कमेंट्स कर देने हैं, लेकिन ध्यान रहे आप लोग जितने भी कमेंट करो, जो भी कमेंट करो, कमेंट के साथ अपना UID जरूर देना, क्योंकि भाई मैं कमेंट पिक करता हूँ रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट से, एंड जिसका भी कमेंट वहाँ पिक होता है वो हमारा लकी विनर बनता है, और फिर उस बंदे के कमेंट में जो भी UID होती है वो UID में मैं डायमंड का टॉप अप भेज देता हूँ। तो अभी गाइस आप लोग रिलैक्स हो जाओ और दबा के कमेंट्स करो, मैं कमेंट्स पिक करूंगा और जो भी जीतेगा उसको डायमंड गिव अवे दे दूंगा। तो देख लो यार अभी मैंने गिव अवे के बारे में बता दिया, इवेंट्स वगैरह के बारे में बता दिया है, तो अभी तो यार हम लोग ये वीडियो को यहीं पर ही एंड कर दे।